नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने गार्डन में कुछ फूलों के पौधे जो कि लग रखे हैं उनको दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं छत पर पानी हो रखा है इसका। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों यहाँ पे बारिश हुई थी, पर दोस्तों अभी तो मौसम एकदम क्लियर हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम चारों तरफ धूप निकल रखी है। अभी देखिए तो कुछ देर पहले ही दोस्तों अभी बारिश हुई थी और अब तो दोस्तों बंद हो गई है। यहाँ पे दोस्तों डेली बारिश पड़ रही है, शाम के समय पर दोस्तों बारिश पड़ती है। अब जैसे कि आप अपने मेरे गार्डन में देख पा रहे होंगे, हमारे गार्डन में अभी काफ़ी सारे पौधे इस समय लग रखे हैं और काफ़ी सारे जो पौधे जो कि हम न्यू ऐड कर रहे हैं, और अभी आप देख पा रहे हैं तो बारिश के चलते हुए पौधों पर पानी भी दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्तियाँ गीली हो रखी है कुछ पौधों की, और जैसे कि इस तरफ देखेंगे तो छत पर भी पानी हो रखा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिकली सारे पौधे दिखाऊंगा अपने गार्डन में जो कि फूलों के मैंने लगा रखे हैं, और पौधों का नाम भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इन पौधों को अपने गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, या कैसे आप जैसे कि जो पौधे मैंने ग्रो किए हैं वो पौधे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सीड की मदद से ग्रो किए हैं, बाकी जितने भी पौधे हैं जिसको कि आप नर्सरी वगैरह से परचेस कर सकते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा पौधा जिसको कि आप नर्सरी से परचेस कर सकें, और कौन सा ऐसा पौधा जिसको कि आप घर पे अपने सीड की मदद से उगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं दोस्तों टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं सामने रखे हुए पौधों से ही। तो जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो प्लांट है ये सदाबहार का पौधा है, एवरग्रीन दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम सदाबहार है। तो सदाबहार का दोस्तों ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसको दोस्तों ग्रो करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही दोस्तों ग्रो होता है। आपने सही सुना, जैसे कि किसी भी पौधों के बीच में जैसे कि आपने कोई भी जैसे खरपतवार अपने आप ही उगती है, वैसे उसी प्रकार से ये भी दोस्तों फूल का पौधा ऐसा कि जो अपने आप ही उगता है। तो इसको तो दोस्तों आप सीड की मदद से भी अगर ग्रो करना चाहें तो उसकी सीड मिल जाती है नर्सरी से, या जो भी नज़दीकी स्टोर है आपके सीड का वहाँ से आप इसे सीड की मदद से परचेस करके भी ग्रो कर सकते हैं। वरना दोस्तों ये जो आपके सामने पौधे लग रखे हैं दोस्तों बोगन इसके एवरग्रीन के, ये हमने दोस्तों विदाउट सीड ग्रो किए हैं। ये हमारे एक ग्रो बैग था जिसके अंदर, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ वो ग्रो बैग कौन सा था। तो ये दोस्तों सामने आपके ग्रो बैग रखा हुआ है, यहाँ इसमें मैंगो का प्लांट लग रहा है। इसी ग्रो बैग के दोस्तों साइड में दोस्तों बहुत सारे पौधे हो गए थे सदाबहार के, तो इसी को दोस्तों हमने वहाँ से उखाड़ा और उसमें लगा दिया। तो वैसे तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके गार्डन में भी अगर लग रखे हैं तो आप भी दोस्तों एक बार देखिएगा इनके पौधों के दोस्तों पहचान होते हैं कि जो लीव्स होती हैं दोस्तों इस प्रकार की होती हैं कुछ आप देख सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको छोटी छोटी लीव्स अगर दिखाई दे रही हो पॉट के अंदर या किसी भी ग्रो बैग के अंदर, जैसे इतना सा स्मॉल से इसका प्लांट होता है छोटा सा और उस पर दो लीव्स आई होती हैं, तो समझ जाना दोस्तों कि वो जो है पौधा वो सदाबहार का। तो सदाबहार का पौधा दोस्तों आपके सामने दोस्तों लग रखा है, इसको मैंने विदाउट सीड की ग्रो किया है, मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसे विदाउट सीड भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको देखना पड़ेगा अपने गार्डन में कि कहीं ये लग तो नहीं रखा, वरना अगर आप इसको सीड की मदद से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको सीड की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी फ्लावर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप वाइट कलर के फ्लावर्स की भी सीड ले सकते हैं। हमारे गार्डन में इस समय भी पर्पल कलर का लग रखा है, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों आप दूसरे पौधे की तरफ चलें। तो दूसरा पौधा जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों बेल है, ये दोस्तों मधुमालती की बेल है। तो दोस्तों ये मधुमालती की जो बेल है आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इस पर भी दोस्तों पिंक और हल्के से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा पास में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, तो आपको अभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इस पर पिंक और कुछ हल्के से पिंक और हल्के से वाइट कलर के दोस्तों फ्लावर इस पर आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो बेल है हमारे पूरी नीचे तक है, अभी आप देख सकते हैं जहाँ से हमारा घर शुरू हो रहा है वो देखिए, तो पूरा नीचे से दोस्तों शुरू हो चुकी है और ऊपर तक है दोस्तों। इसको लगाए हुए दोस्तों हमने कम से कम 7 महीने से ऊपर, मतलब एक साल ही मान लीजिए, एक साल हमें लगभग ऐसे अपने गार्डन में लगाए हुए हो गया। एक्चुअली ये गार्डन में नहीं लगाई हमने, एक्चुअली अपने घर के बाहर लगा रखी है, तो समझ तो वो भी लिया आउटसाइड ही है, मतलब कि इसको अगर आप चाहते हैं तो अपने गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी बेस्ट बेल मानी जाती है, जिससे कि आप अपने गार्डन को डेकोरेशन मतलब बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख ही पा रहे हैं इसकी हाइट देख सकते हैं आप, एक साल में कितनी बड़ी हो चुकी है। तो वही अगर दोस्तों ये हमारे गार्डन के अंदर बीचों बीच में यहाँ लगी रहती इस समय पर, तो इससे हम अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते थे। तो आप भी दोस्तों ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। इसको दोस्तों ग्रो करने का तरीका ये है कि इसको आप एक्चुअली इसका जो प्लांट है वही दोस्तों सीधा आप परचेस कर सकते हैं नर्सरी से। अगर आपके आसपास कोई नर्सरी है तो आप वहाँ से आके परचेस कर लीजिए इसका प्लांट, वरना जैसे कि ऑनलाइन दोस्तों फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे दोस्तों ये पौधा जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके सर्च कीजिए मधुमालती की बेल, तो वहाँ पे ये पौधा दोस्तों आपको दिखा देगा। हमने दोस्तों इसे नर्सरी से परचेस किया था, 50 रुपीज़ का उस समय प्राइस था, और पौधा भी आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी बेस्ट रिजल्ट शो कर रहा। आइए दोस्तों हम अगले फ्लावर प्लांट की तरफ चलें। तो
तो दोस्तों जैसे कि आप ये सामने अपने देख पा रहे हैं, ये आपके सामने दोस्तों ये जो पौधा लग रखा है, ये दोस्तों बेला का पौधा है। इसके ऊपर भी दोस्तों फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, इस समय तो दोस्तों नहीं आए। इसको आप दोस्तों नर्सरी से परचेस कर सकते हैं और आप इसकी सीड भी परचेस करके इसको ग्रो कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप इसको आपके आसपास जितनी भी मतलब आपके आसपास कोई भी अगर नर्सरी हो तो आप वहाँ से परचेस करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये पौधों को दोस्तों अगर आप परचेस करके लाएंगे तो इनमें जो फ्लावरिंग वो भी जल्दी से जल्द हो जाएगी, वरना ग्रो करने में दोस्तों वही टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, फिर फ्लावर पता नहीं दोस्तों कब जाके देगा। तो इसलिए आप इसको नर्सरी से परचेस करें तो ज़्यादा फ़ायदा आपका लिए। तो जैसे कि जितने भी पौधे मैंने अभी आपको 3 पौधे दिखा दिए, तो इन सबको दोस्तों हम नर्सरी से परचेस भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने अभी आपको जो सदावार का पौधा था उसके बारे में बता ही दिया था कि वो तो अपने आप ही गार्डन में ग्रो हो जाता है, आप देख लीजिएगा, वरना आप उसको सीड की मदद से नर्सरी से भी आप परचेस कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम चलें तो आगे आपके सामने ये जो प्लांट लग रखा है नीचे साइड में, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा इंग्लिश गुड़ैल का पौधा है। इस पर वाइट कलर के दोस्तों गुड़ैल के फ्लावर आते हैं। इस पौधे को दोस्तों हमने नर्सरी से परचेस किया था और इसके लगभग लगभग दोस्तों उस समय प्राइस थे 150 के करीब। तो ये 150 में हमें दोस्तों प्लांट पड़ा था, उस समय दोस्तों इसमें फ्लावर आ रहे थे और अभी आप अगर देख पा रहे होंगे तो उसके ऊपर दोस्तों फ्लावर भी फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए दोस्तों, तो न्यू फ्लावर भी दोस्तों इस पर आ रहे हैं। और आप अगर चाहते हैं तो इसे नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, और आप अगर इसे नर्सरी से परचेस नहीं करना चाहते तो आप इसको सीड की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं, वरना आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, तो आगे दोस्तों कॉटन फ्लावर प्लांट है दोस्तों, कॉटन जैसे इसके पत्ते जैसे कि आप आ रहे हैं ये देख सकते हैं, तो दोस्तों कॉटन फ्लावर प्लांट है, इस पर भी दोस्तों फ्लावर लगते हैं, इस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी दोस्तों हमने नर्सरी से परचेस किया था, अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसको नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको सीड की मदद से ग्रो करना चाहें तो उसकी सीड दोस्तों ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वहाँ से आगे आप परचेस कर सकते हैं, वरना अगर आप पौधा पूरा मंगाना चाहें तो पौधा भी आप मंगा सकते हैं। और आप अपने सामने जैसे देख पा रहे हैं ये भी दोस्तों फ्लावरिंग का प्लांट है। दोस्तों ये जो प्लांट है दोस्तों इसका नाम मुझे अभी पूरी तरह से पता नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों इसको, अगर आपको नाम पता हो उसका तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इस पर दोस्तों वाइट कलर के दोस्तों सुंदर सुंदर से फ्लावर आते हैं, काफ़ी बढ़िया स्मेलिंग होती है इनकी, ये देख सकते हैं आप, इनके ऊपर ऐसे फूल भी आना शुरू हो रहे हैं ये देखिए आप। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया इस समय ग्रोथ शो कर रहा है हमें, और इस पर भी फ्लावर नए नए बन रहे हैं इस समय देखिए आप तो, और कुछ टाइम बाद दोस्तों इस पर फ्लावर बनेंगे तब मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूंगा। इसको दोस्तों हमने नर्सरी से परचेस किया था, मतलब ज़्यादातर जो दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट है उसे हमने नर्सरी से परचेस किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी नर्सरी से परचेस करें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि नर्सरी से परचेस का पौधा भी काफ़ी बढ़िया चलता है। ये दोस्तों आप अपने सागर के सामने देख पा रहे हैं दोस्तों बोगनविलिया जैसा फ्लावर है, मतलब कि इस पर फ्लावर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल बोगनविलिया जैसे ही लग रहे हैं ये देख सकते हैं, पर दोस्तों ये बोगनविलिया का प्लांट नहीं है, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं इस पर काफ़ी ब्यूटीफुल से फ्लावर आ रहे हैं ये देखिए आप अपने सामने देखते हैं। ये दोस्तों हमने पौधा परचेस किया था नर्सरी से ये देखिए, और इस पर दोस्तों वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं इस समय आप देख पा रहे हैं, और पूरा पौधा जो कि है दोस्तों हमारा फ्लावर से ही भर रखा है ये देख सकते हैं आप आसान तरीके से। आपको सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, आपको एकदम दूर से ले जाके भी दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप पूरा पौधा जो है हमारा इस समय वाइट कलर के फ्लावर से भर रखा है और काफ़ी सुंदर भी दोस्तों लग रहे हैं देखने में। तो दोस्तों ये जो प्लांट था इसको भी हमने नर्सरी से ही परचेस किया था, अगर आप चाहते हैं तो इसकी सीड भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगी, अगर आप पूरा पौधे खरीदना चाहते हैं तो भी आपको पौधा मिल जाएगा। मैं दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बताऊंगा मैंने जैसे कुछ प्लांट्स थे जो कि ऑनलाइन मंगाए थे, तो मैं आपको रिव्यू दूंगा उन प्लांट्स का कि आपको भी ऑनलाइन पौधे जो कि परचेज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, जो कि आपका पौधा वो कैसा आता है, तो मैं आपको अगली वीडियो में वो जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी जल्द से जल्द तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। तो मैंने अभी आपको इस पौधे के बारे में बता दिया। अगला पौधा जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये दोस्तों येलो गुड़हल का पौधा है, येलो हिबिस्कस ये देख सकते हैं आप। तो मैंने अपने गार्डन में अभी आपको दोस्तों दो तरीके के पौधे दिखा दिए हिबिस्कस के, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया था वाइट हिबिस्कस का सफ़ेद गुड़हल, और दूसरा मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों पीले गुड़हल का। हमारे गार्डन में दोस्तों इस समय दो ही पौधे हैं, और हमारे घर के बाहर अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कभी तो वो दोस्तों मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली, तो वो दोस्तों लाल कलर का गुड़हल भी लग रखा है। तो यानी कि हमारे यहाँ 3 प्लांट्स हैं दोस्तों गुड़हल के, रेड वाइट और येलो। तो दोस्तों ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं येलो गुड़हल का पौधा है, और इस पौधे को भी दोस्तों हमने नर्सरी से ही परचेस किया था। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी हो गई थोड़ा, तो इसलिए बीच बीच में दोस्तों जो आवाज़ है वो थोड़ी बहुत ख़राब आ रही होगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पर दोस्तों जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये पीले गुड़हल का पौधा है, इसको हमने नर्सरी से परचेस किया था। आप भी इसे चाहें तो, जैसे कि आपके लिए अगर मैं बेस्ट तरीका बताऊं तो आपके अगर घर के आसपास कोई भी नर्सरी है तो आप वहाँ से आके जरूर से जरूर ये पौधे परचेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे। आप सीड से ग्रो करो,
या ऑनलाइन मंगाओ दोस्तों, उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। इससे बढ़िया आप नर्सरी से जाके अपने सामने दोस्तों आपको जो पौधा पसंद आए आप उसको आसान तरीके से परचेस कर सकते हैं। और इन पौधों को दोस्तों ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ये हमें लगभग 100 रुपये तक का पड़ गया था पौधा, और वो मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी हमें 150 रुपये तक का पड़ गया था। आइए अब अगले पौधे की तरफ चलें। तो अगला पौधा जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों येलो रोज़। तो ये पीले गुलाब हैं, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं गुलाब लग भी रखा पीले कलर का, ये देख सकते हैं आप। और ये दोस्तों पौधा ये हमने नर्सरी से परचेस किया था। आप इसकी दोस्तों कटिंग की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर आप इसको चाहें तो, वरना दोस्तों नर्सरी से जाकर आप परचेस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आइए अब अगले पौधे की तरफ चलें। तो अगला पौधा दोस्तों कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लग रखे हैं हमारे गार्डन में, जैसे कि जेड प्लांट हो गया, ये कलर चेंजिंग दोस्तों प्लांट है, अपनी लीव्स के कलर दोस्तों चेंज करता रहता है। इसके वॉयलेट कलर के दोस्तों लीव्स और ग्रीन कलर के दोस्तों पत्ते इस पर लग रखे हैं इस समय। और दोस्तों पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों ये हमारी 9 बजे लग रखी है दोस्तों, ये बेल है। इसको तो दोस्तों आप बीच में से तोड़ के, जैसे कि यहाँ से तोड़ के आपने तोड़ लिए, आप तोड़ के इसको दूसरे पॉट में भी लगा देंगे तो भी दोस्तों ये हो जाएगी। इसमें मैं आप पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आप देखना मत भूलिएगा। आ गए दोस्तों, मैंने आपको कुछ पौधे दिखा दिए, और इस तरफ भी सेम वही प्लांट लग रखा है। और दोस्तों अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो हमारे गार्डन में दोस्तों इस समय कम है, इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ी धीरे धीरे करके, आप बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जैसे एक और पौधा रह गया दोस्तों, ये है मधुकामनी का। इस पर दोस्तों वाइट कलर के स्मॉल स्मॉल से गुच्छे में फ्लावर आते हैं, जैसे कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं ऐसे ये बनते हैं ऐसे, और ये गुच्छे बंच ऑफ फ्लावर्स दोस्तों वाइट कलर के छोटे छोटे से दोस्तों फ्लावर लगते हैं। मैंने इसका शॉर्ट भी डाला है तो आप शॉर्ट वीडियो में देखिएगा। इसको दोस्तों हमने नर्सरी से परचेस किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे गार्डन में कुछ दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर आपको आज की वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर लीजिएगा दोस्तों जल्द से जल्द लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को कर लीजिएगा जल्द से जल्द सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द देखने को मिलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।